एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इट मीन्स ये जो हमें गिवन फिगर दे रखी है, सो इसमें ये जो बता रहे हैं दो एंगल्स है, तो क्या ये दो एंगल्स पैरेलल है ये हमें इसमें बताना है। इफ एंगल एबीसी इक्वल टू 70 डिग्री सो देन फाइंड एंगल डीजीसी, सेकंड एंगल डीईएफ। सो इसमें हमें एक एंगल हमें फाइंड कर रखा है, मींस एक एंगल हमें दे रखा है, एंगल एबीसी हमें दे रखा है, सो हमें डीजीसी एंड डीईएफ हमें ये एंगल निकालना है, राइट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज हमें ये दे रखा है गिवन एंगल, क्या दे रखा है हमें, एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। सो स्टूडेंट, अगर मैं इसकी ये लेंथ को, मीन्स ये जो लेंथ को मैं बढ़ा देती हूँ, राइट, एंड इसकी लेंथ को मैं इस तरह से बढ़ा देती हूँ, और यहां पे इस पॉइंट का नेम मैं रख देती हूँ एच, राइट। सो ये लाइन एंड ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, राइट। सो ये मीन्स ए एच पैरेलल किसके हो जाएगा, डीएच के, राइट, किसके हो जाएगा, सॉरी डीई के। ए एच किसके पैरेलल हो जाएगा, डीई के, राइट। आप इसको ऊपर से भी इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। सो ए एच पैरेलल किसके हो जाएगा, डीई के हो जाएगा, राइट। और इसको कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके बीच में कौन सी लाइन इंटरसेक्ट मीन्स इसमें कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल हो रही है, राइट। सो इसमें कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल हो रही है, बीसी। तो इसमें कौन सी लाइन कट हो रही है, बीसी। ए एच पैरेलल ऑफ डीई बाय द कट ऑफ ट्रांसवर्सल बीसी, राइट। सो ए एच पैरेलल किसकी है, डीई के, इसको बीसी क्या कर रही है, इसमें बीसी क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ऑब्वियस है स्टूडेंट कि अगर फिर इसमें अगर ए बी सी हमारा 70 डिग्री होगा तो ये एंगल भी हमारा 70 डिग्री होगा। व्हाई, बिकॉज़ ये इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी के, मीन्स ए बी सी के इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी जी सी। व्हाई, बिकॉज ये क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल हो जाएगा, मीन्स इस लाइन में ये एंगल अंदर है और इस लाइन में ये एंगल अंदर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, राइट। सो एंगल डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री। वाई, इसको हम साइड में रीजन लिख देंगे, बिकॉज ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। सिमिलर हमारा फर्स्ट एंगल फाइंड हो गया है, हमने इसका सेकेंड एंगल निकालना है, एंगल डीई एफ। सो स्टूडेंट, एंगल डीईएफ हमें इसमें फाइंड करना है, डीईएफ। सो स्टूडेंट, इसमें हम दो पैरेलल लाइन पहले फाइंड करेंगे, मीन्स बी सी पैरेलल किसके हो जाएगा, एच एफ के, और इसमें कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल हो रही है, डीई। सो इन एंगल डीईएफ, डीईएफ में बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा, एच एफ के, किसके पैरेलल हो जाएगा, एच एफ के, और इसको कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल हो रही है, डीई बाय द कट ऑफ ट्रांसवर्सल डीई, राइट। सो बी सी पैरेलल ऑफ एच एफ, इसमें कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल कर रही है, डीई। सो स्टूडेंट, अगर यहां पे भी ये एंगल, अगर डीजीसी इसका 70 डिग्री होगा, सो डीईएफ भी इसका, ये एंगल भी हमारा क्या कहलाएगा, 70 डिग्री। वाई, बिकॉज ये भी इसका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, राइट। बिकॉज इस लाइन में ये ऊपर लाइन है, ये एंगल सेम है, इस लाइन में ये एंगल ऊपर है, राइट। और आप जानते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या कहलाता है, जो सेम साइड में सेम पोजिशन में हो, राइट। सो हमारा डीजीसी इक्वल टू किसके हो जाएगा, डीईएफ की। सो डीईएफ ऑल्सो 70 डिग्री, हम यहां पे साइड में रीजन लिख देंगे,
बिकॉज ये क्या है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आप इस तरीके से जितने भी आपको इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से इसको करते हो तो, लेकिन साइड साइड में इसकी प्रॉपर्टी लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो प्रॉपर्टी को लिखने के अकॉर्डिंग ही आपका सम्स राइट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।